सत्र 2021-22 के छात्र संघ को शून्य कर दिया गया है। छात्र संघ भंग करने के पीछे पाठ्यक्रम पूरा कराने और परीक्षा तय करने में कराने का हवाला दिया गया है। देखिए आप भी। आदेश में कहा गया है, कोरोना संक्रमण की वजह से विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि 25 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई थी। इससे शैक्षणिक कार्यक्रम भी तुलनात्मक तौर पर पीछे चल रहा है। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम पूरा कराने के साथ साथ परीक्षा जल्द से जल्द पूरा कराना प्राथमिकता है। इस तरह से 400 पदाधिकारियों की एक झटके में कुर्सी छिन गई है। वहीं अगले चुनाव को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है, जिससे छात्र संगठनों में भारी आक्रोश है। कॉलेज में प्रथम आने के पश्चात छात्र संघ अध्यक्ष बनाया गया था, जब पद से हटाना ही था तो अध्यक्ष बनाना ही नहीं था, और ऐसा कर रहे हैं तो सरकार का फैसला सही नहीं है, यह हमारी मानसिक हानि है। ये कहीं न कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि जो छात्र छात्राएं हैं, जो पदाधिकारी बन चुके हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके उनके अधिकार को हनन किया जा रहा है। अब आप ही बताइए, अगर छात्र चुनाव नहीं हुआ तो आपको पहले आदेश घोषित कर देना था कि इस कार्यकाल को शून्य घोषित कर दिया जाए। मनोनयन के आधार पर छात्र संघ का गठन, फिर समय से पहले इसे भंग करना कई सवाल पैदा करता है। शासन की ओर से छात्र संघ गठन को लेकर के जो पत्र प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर में छात्र संघ की गतिविधि को इस बार शासन ने शून्य घोषित किया है। जो पत्र प्राप्त हुआ था उसके अनुसार हमने सभी महाविद्यालय भी इंडोर्स करके पत्र भेज दिया गया कि शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई करें। आदेश का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन छात्र संघ भंग करने की बात संगठन के सदस्य पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छात्र यूनियन के लिए सबसे बड़ी एक पार्टी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छात्र संगठन को भंग कर दिया है, जिससे 400 से ऊपर छात्र पदाधिकारी बेकार हो गए हैं। अब देखना होगा कि छात्र संघ बहाल करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरामैन अविनाश के साथ मनोज सिंह, INH न्यूज रायपुर। और इस वक्त की